जो व्हाइट फ्रॉक डाला और मैंगो शेक गिर जाए ना तो फ्रॉक धो के आनी चाहिए। और डफर मैंगो ऑरेंज होता है, ये येलो है। आलिया ने अकल मत बात की, जोरदार तालियां। तुम्हें पता है मैडम इतनी सीधी है ना, एक बार डायरेक्टर ने कहा लाइट कैमरा एक्शन, ऐसे खड़ी रही। डायरेक्टर ने कहा आलिया कुछ करो, कहती आपने लाइट कैमरा को एक्शन कहा, आलिया को थोड़ी। आलिया एक्शन खाकर फिर मैं करूंगी। फवाद खान कराची में पैदा हुए, 13 साल की उम्र में सफर करना शुरू कर दिया, कभी जहाज से बैठे दुबई, दुबई से मैनचेस्टर, अमेरिका, लंदन, वापसी, फिर कराची, फिर इंडिया। जहाज में क्या चूरन बेचते हो, इतना सफर करते हो? पहले बर्फी फिल्म में लेने वाले थे, फिर अनुराग सर ने बोला नहीं यार, लड़की का जो रोल है ना वो पागल का है, ये करेंगे तो ओरिजिनल हो जाएगा। सिद्धार्थ की एक पिक्चर आई थी, एक विलन, मैंने देखी, मैंने 3-4 बार देखी है ब्रदर। सिर्फ दो ही चीजें अच्छी लगी ब्रदर में, एक तो अक्षय कुमार और दूसरा अक्षय कुमार का काम। हेलो एंड वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स बचाओ। आज हम आए अपनी फिल्म कपूर एंड सन्स को लेकर। मैं हूं कपूर एंड सन्स से राहुल कपूर। मैं हूं टिया। और मैं हूं अर्जुन कपूर। हमारी पिक्चर रिलीज हो रही है 18 मार्च को, सो प्लीज अपने पूरे परिवार को लेके आइए, हमारे परिवार को देखेंगे। यार ये कृष्णा और भारती किधर हैं? उनको जब पता चला कि हम तीन आ रहे हैं, कपूर एंड सन्स, तो फिर वो तीनों भाग गए। उन्होंने तो हमारा वेलकम नहीं किया। हाँ। चलो हम उनका वेलकम करते हैं। तो आ रहे हैं हमारे बीच वो जिन्हें टांग खींचने के अलावा कुछ आता ही नहीं। हाँ, जिनके परिवार ने उन्हें कोई संस्कार नहीं सिखाया, जिनको पता ही नहीं है कि तमीज क्या होती है, यू नो। सो प्लीज वेलकम कृष्णा भारती एंड टीम। या क्या बोल रहे थे? कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, बता। डायलॉग डिलीवरी भी नहीं सही थी। इनका वेलकम तो बनता है, जोरदार तालियां हो जाए आलिया, सिद्धार्थ और फवाद के लिए। वेलकम 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 करण, नाइस टू मीट यू। अरे हेलो कपूर एंड सन्स, ये देखो क्या हो रहा है। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे कैसे छोड़ेंगे, कह रहे थे ना बदतमीज है, थोड़ी तो बदतमीजी बनती है यार, है कि नहीं कृष्णा? हाँ क्यों बदतमीज? अरे ये एंकरिंग कर रहे थे तीनों। हाँ यार ये तो मेरे दिमाग में नहीं आया। हाँ कहीं इनको हमारा पैसा पता चल जाता तो फिल्म में छोड़ के एंकरिंग करनी शुरू कर देते। यार एक छोटी सी शायरी याद आई ऑडियंस। खिड़कियों से सर निकल आए, बस्तियों से घर निकल आए, वावा करना बेटा। खिड़कियों से सर निकल आए, बस्तियों से घर निकल आए, हमने थोड़ी सी ढील क्या दी, चींटियों के तो पर निकल आए। वैसे कृष्णा, हाँ भारती, बाकियों को बिठाते हैं। हाँ। वरना ऐसे लग रहा है कि हमारी चौल में पानी नहीं आ रहा, सब पानी के बारे में इकट्ठा होकर बात कर रहे हैं। चलिए टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सिंहासन पे बैठने की बहुत घाई है सिद्धार्थ, क्या करें,
ये आप कहीं ईंट उठा के लाए थे क्या यहाँ पे? लाल और मिट्टी रह गई वहाँ पे। अरे आलिया। और आलिया आपसे कुछ कहना है, जो वाइट फ्रॉक डाला और मैंगो शेक गिर जाए ना, तो फ्रॉक धो के आनी चाहिए। और डफर, मैंगो ऑरेंज होता है, ये येलो है। आलिया ने अकलमंद बात की, जोरदार तालियां। फवाद आपसे एक ही बात पूछनी है। जी जी। शेव कब करवा रहे हैं? लोगों की शिकायत इतनी थी कि यार ये दाढ़ी किधर गई, मैंने दाढ़ी फिर उगा ली, तो अब फिलहाल अगले साल तक तो मैं नहीं करने वाला शेव। है एक मिनट रहना। ना ठीक है, रहने तो नहीं चुपती। खैर मैं बताता हूँ कौन पहले बैठेगा। क्या इसको बैठा है पूजा? एक काम करते हैं, लेडीज फर्स्ट, फवाद और सिद्धार्थ आप वहां पर बैठ जाइए। अच्छा, हाँ शुक्रिया। आलिया कैसा लगता है आपको हमारा शो? बहुत बहुत लाजवाब है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, बहुत ही डैशिंग है जी, बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही क्यूट है। अभी वर्ड खत्म हो रहे हैं मेरे दिमाग में, और क्या बोलूं? बहुत ही बड़ा। जैसे ही आपका वर्ड खत्म हुआ, हम तीनों की शादी हो गई। साथ फेरे हो गए भाई। तो आलिया आप तैयार हैं सिंहासन पे बैठने के लिए और कहने के लिए बचाओ? मैं तैयार हूँ। कैसे बोलेंगी आप? बजाओ। जी आपका वक्त आ गया है चुल दिखाने का। इन्होंने कहा चुल कुछ भी होता है, आप चुल दिखाइए, असली चुल दिखाइए। क्योंकि इनकी कुछ पर्सनल बातें जानने मिली है इनके स्टाफ से। पीछे खड़ी है, मैं थोड़ी और बातें जानकर आई। ऑडियंस, जनरली कॉमेडी शोज में ऐसा होता नहीं है, लेकिन पहली बार हम लोग स्टेज के ऊपर आलिया के हेयर ड्रेसर और इनके मेकअप आर्टिस्ट को लाने वाले हैं। हाँ? और इनकी पर्सनल बातें बताएंगे आपको आज। जोरदार तालियां हो जाए भारती और करण के लिए। हेलो फवाद। हेलो सिद्धार्थ। हेलो। मैडम को क्या करना, मैडम का बाल बनाती रहती है वो। वैसे ना मेरे को ना इन पे पर्सनल खुन्नस है, वही कंघी बाल पे यूज करती हूँ। ये कंघी स्वेटर में खुचाने के लिए, गलत मत समझो। जब मेरे को पता चला ना कि आलिया के साथ मेरे को काम करना है, हाय ठिकाना नहीं रहा मेरे गुस्से का। मैंने कहा ये दिन आ गया, आलिया भट्ट के बाल बना के खाना खाएंगे वो। वैसे एक बात बोलूं, आज बड़े बड़े स्टार है, शानदार एपिसोड होगा। शानदार कैसी बुरी चीजें मुझसे निकल जाती है। वैसे एक बात बोलूं, आलिया मैडम बहुत खुश लग रही थी बात। मैंने कहा मैम खुश क्यों? कहते खुश इसलिए कि मैंने ना अभी सिक्योरिटी गार्ड को बेवकूफ बना दिया। मैंने कहा बेवकूफ वो कैसे? कहते वो मेरा कुछ भी नहीं लगता था, मैं जीजू कह के आ गई। वैसे एक बात बोलूं सिद्धार्थ सर, स्वीडन ऑफ द ईयर में क्या काम किया सर आपने, बॉडी क्या बनाई। लेकिन जब मैंने हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया देखी ना, फिर मुझे पता चला कि वरुण धवन में कुछ तो बात है। जैसे एक बात बोलूं आपको, वरुण धवन के पापा डायरेक्टर है प्रोड्यूसर है, एक बंगलो लेके दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है, सिद्धार्थ केड़े ने चार बंगलो लेके दिए। लाइन सर कहते एक दो तीन चार, चार बंगलो बेटे, सब में दूध देकर आना है। किस्मत होती है भैया,
वरुण धवन शाहरुख खान के साथ फिल्म प्रमोशन के लिए आए थे और आज देखो सिद्धार्थ मल्होत्रा फवाद खान के साथ आए हैं। देख लो भैया किसकी बेइज्जती हुई है, किसकी रिस्पेक्ट हुई है। नहीं फवाद ने बहुत फिल्में की है, मतलब इनकी फिल्में कोई गिन नहीं सकता, अब दो फिल्में कौन गिनेगा। अबे तू यहाँ क्या कर रही है, जल्दी चल मैडम को रेडी करना है, तू हेयर कर दियो मैं मेकअप कर दूंगा। दोनों हीरो का मुंह देख, कहते भैया हीरो जैसी शक्ल है उसको मेकअप मैन बनाया हुआ, और जिनकी मेकअप मैन जैसी शक्ल है उनको ही। चलो छोड़ यार, चलना मैडम वैसे भी बहुत टंटे करती है, प्लीज ना वैसे। आलिया मैडम तो इतनी चुल है ना, बैठती नहीं एक जगह पे। मैंने भी एक दिन स्ट्रेटनर गर्म किया, कान सीधा कर दिया, तब से हिलती नहीं, ऐसे बैठी रहती है। तुम्हें पता है मैडम इतनी सीधी है ना, एक बार डायरेक्टर ने कहा लाइट कैमरा एक्शन, ऐसे खड़ी रही। डायरेक्टर ने कहा आलिया कुछ करो, कहती आपने लाइट कैमरा को एक्शन कहा, आलिया को थोड़ी। मेरा दिल करता है ना किस दिन मैं छोटी स्कर्ट पहन के ना मार्केट में आ जाना, आलिया फले की छुट्टी कर दो। ऐसे मत बोल, तेरे को पता है तेरी रोजी रोटी चलती है, पेट चलाती है वो तेरा। क्यों मेरे पेट पे पैर लगाती है? तू पीछे ही पड़ गई है उसके। हाँ तो क्या हुआ, तुम क्या होता? आमतौर पे ना मल्टी टैलेंटेड लोगों की, मल्टी स्टार लोगों की फिल्म होती है, जिसमें ईगो क्लैश होता है, ये सब होता है, इनमें कुछ भी नहीं होता। दोस्ती है ना? नहीं नहीं, स्टार ही नहीं है ना कोई। मेरी मैडम बहुत बोली है। क्यों? मेरी मैडम को सिक्योरिटी गार्ड अंदर नहीं आने दे रहा था, मैं पीछे पीछे थी। फिर कहती मैं अंदर जाऊं, कहते कौन? मैं आलिया। कहती कौन आलिया? महेश भट्ट की बेटी। कहते कौन महेश भट्ट? करती फिर इसने से मिट्टी उठाई खाई, कहते अच्छा आलिया भट्ट, चलो जाओ। मिट्टी? अरे फिर क्या हुआ? फिर क्या, पीछे सिद्धार्थ सर खड़े थे, इनको लगा शायद मिट्टी खा के अंदर जाने थे, इन्होंने पहले मिट्टी पकड़ी खा ली। सिक्योरिटी गार्ड ने टपली मारी, कहते सर क्या दिमाग खराब हो गया आपको, जानते हैं आपने क्यों मिट्टी खाई? हीरो है वो, हीरो। अरे आपस में खेलते रहते हैं, पता इन्होंने डिसाइड किया जब भी भीड़ हो ना हम एक दूसरे का ऑटोग्राफ लेंगे, ताकि लोग हमें एक्टर एक्टर समझे। आलिया ने पहली हिट दी, दूसरी हिट दी, तीसरी हिट। सिद्धार्थ पहली हिट, दूसरी हिट, तीसरी हिट। फवाद कैसे हैं आप? ना ये फवाद बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना प्रॉब्लम पता क्या है, एक्चुअली मेरा और आलिया का फिगर सेम है, तब मैं कभी कभी तेरा और आलिया का, हाँ कभी कभी वैनिटी वैन में मैं खड़ी होती ना, फवाद को लगता आलिया तो पीछे से पकड़ लेता और यहाँ मफी कर लेता, फिर मैं पलटी, मैं क्या मेरी बारी, तो फिर भाग गया। यार मैंने ज्यादा बोल दिया क्या मैडम? ज्यादा बोल दिया मैडम? वो वाला बता दूं क्या? मैं इतनी बेवकूफियों में कि मैडम की पर्सनल बातें बता दूं कि मैडम टकली है। मैडम टकली है? मैंने कब कहा? तेरे को निकलवा दूं कि कहां से मैडम को टकली टकली कहता है? कितने शानदार बाल, शानदार। क्यों नहीं कर रहा बार बार मुझसे शानदार? देखा हंसी तो फंसी, फ्लॉप। ओ चल मेरी माँ, तू चल यार। मैडम एक मिनट, यार मेरे मुंह से निकल गया हंसी तो फंसी फ्लॉप। कोई नहीं, खूबसूरत भी है। चलो तीनों का हॉल गया था कि आपस में लड़े। अरे जोरदार तालियां हो जाए। आलिया कैसा लगा आपको ये चुल? शानदार। अमेज अमेज। क्या कहना चाहेंगे सिद्धार्थ? आउटस्टैंडिंग जॉब पर। अब ये हेयर स्प्रे क्यों खा रही हैं आप? आई लव सर, आई टेस्ट, एक बार टेस्ट करके देखते हैं, मजा आ जाएगा। नहीं नहीं, आपको क्या लगता है सिर्फ खाना खा के हुआ है? बॉटल खा जाती है। आप चुल बोल रहे थे, हमने आपको बुल दिखाया इतना बड़ा, देखिए।
क्या बात है, ये इसका खुद का मुंह बिगड़ा हुआ मेकअप मैन बना हुआ। लेकिन मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये बेस्ट प्रोफेशन है, ये एक्टिंग एक्टिंग छोड़ दे तू, नहीं होनी है। कब तक 600 रुपए में काम करेगा तू? Exactly. क्या कूल है हम। कृष्णा जी, भारती जी, बेचारी आलिया वहां पे अकेली बैठी बैठी बोर हो रही है। हाँ। तो फिर क्या करें? किसको भेजें? कौन से डूड को भेजें? जिन्होंने शेव नहीं की हुई। तो बात, प्लीज आप उठिए वहां से और हमारी आलिया का साथ दीजिए, आप अकेले रहिए सिद्धार्थ यहाँ पे। कृष्णा। हाँ। कौन आने वाला है इन दोनों की खातरदारी करने? एक पुलिस वाले आए हुए हैं पीछे। है? हाँ। और वो कहते हैं कि कपूर और सन्स को मुझे गिरफ्तार करना है, बहुत टेंशन दे रहे हैं। फिर? पता नहीं, उनकी जो नौकरानी है वो उनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन he wants to come on the stage. बोलते मैं आना चाहता हूँ। Please welcome Shakeel and Shruti. जी सर, कमिश्नर साहब। जी सर, सर जी सर, रात को मैंने मुर्गी चोर पकड़ा सर अंधेरे में। हाँ सर, सर सुबह छोड़ना पड़ गया सर, मेरा बाप निकल आया सर वो। हाँ सर, मेरे अब्बा को बोला, मैंने कहा अब्बा इलाका बदलो, वो कह रहा बेटा थाना बदल ले तू। वो नहीं, नहीं सर, मेरा कहीं तबादला करा था, मेरा बाप बाज नहीं आएगा सर, वो चलते मुर्गी से अंडे निकाल लेता सर। ओके। अरे क्या हाले सिद्धार्थ भाई, देनु मुरी और अर्जुन रामपाल, क्या वो उस कैटेगरी के हो ना आप लोग भी? मतलब एक्टिंग की बात नहीं हो रही, मॉडलिंग। आप तो आगे निकल गए, तो पिछड़ के टाटा कह के निकल जाओ। फवाद खान, कराची में पैदा हुए, 13 साल की उम्र में सफ़र करना शुरू कर दिया, कभी जहाज़ से बैठे दुबई, दुबई से मैनचेस्टर, अमेरिका, लंदन, वापसी, फिर कराची, फिर इंडिया। जहाज में क्या चूरन बेचते हो, इतना सफ़र करते हो? आलिया क्या बात, बड़ी भोली बच्ची है ये। अभी बाहर खड़े थे कुएं पे, मेंढक बैठा हुआ था, उसको कह रही कितनी बुरी शक्ल है तेरी। उसने कुएं में छलांग लगा दी, कह रही इसमें आत्महत्या वाली कौन सी बात थी। बेचारी बहुत भोली है, बहुत भोली है। मैंने तो पता है आलिया सुबह सुबह समुद्र से धुआं क्यों निकलता? बोला हाँ पता है मुझे, मतलब बताओ। कह रही सुबह क्या है ना, मछली के पति लोग काम पे जाते ना, उनको टिफिन तैयार करके देते, इसलिए धुआं निकलता। हेलो। हाँ हाँ, उसी फैमिली के लिए आया हूँ, कपूर एंड सन्स के लिए। उनकी शिकायत आई है मोहल्ले से, बहुत लड़ते हैं ये लोग। बस हाँ मैं कार्रवाई कर। ओए घर में कोई आया, बाहर निकलो। ए क्या रे, इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं वॉचमैन? अबे तू क्या आलिया भट्ट की फैन तो नहीं है? उल्टी सीधी बकवास करी, वर्दी नहीं जरा, पुलिस वाला हूँ। सॉरी साहब, वो आपकी शक्ल देखी ना तो वॉचमैन लिखा, आपकी वर्दी नहीं देखी। बताइए ना काय को चिल्ला रहे इंस्पेक्टर साहब? तू कौन है? काम वाली बाई। तुमको कैसे मालूम पड़ा मैं काम वाली बाई है? तुमको कैसे, तेरा मुंह ही पोछे जैसा है मनुष। तू तो पैदा हुई थी तो नर्स ने बेड भी तेरे से ही साफ किया था। नर्स ने अपने हाथ भी साफ करके तेरी माँ को दिया, ये लो पोछे जैसे बच्ची, मुबारक हो रहा हो। बाहर निकालो रणबीर कपूर को। आगा, ये वो वाला घर नहीं है। पर आपको एक बात बताऊं, पहले ना ये फिल्म में रणबीर कपूर को ही लेने वाले थे। अरे वेरी गुड। फिर पता क्या हुआ, उसने इतने सारे पैसे मांगे कि करण जौहर ने उतने पैसे में इन सब को लेकर पूरी पिक्चर ही बना डाली। अरे देखो ना साहब, आज हमारे घर में आलिया आई है, झगड़ा मत करो ना। ये क्या बेचती है? अरे आलिया भट्ट है। ओ, केस तो आप बनेगा। अब समझ में आया मसला, के लड़की एक आदमी दो, बहुत नाइंसाफी है। यार तुम लोग लड़ाई क्यों करते हो यार, टॉस कर लो, टेल आए तुम्हारी, हेड आए तुम्हारी, सिक्का खड़ा हो गया मेरी। अपनी शक्ल देखी है क्या? अच्छा शक्ल देख के फिल्म करती, तो वो कौन सा हीरो है?
रंधीपुरा उसके साथ काम करती है। मैंने हाईवे देखी है फिल्म, तौबा मेरी तो सांस फूलने लगी। हाईवे पे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। बस उस फिल्म में एक आदमी का एक रोल बहुत अच्छा लगा मुझे। किसका? ट्रक का। तुमने उसकी फिल्म देखी क्या? शानदार। अरे कुछ 36 दफा। अरे मैंने तो सीडी थाने में ला के रखी है। फिर? कोई मुजरिम कबूल नहीं करता, फिल्म लगाता हूँ, दिखाता हूँ, मतलब आप बोल किया नहीं किया। पहले सीन में सारा बोल देता, इंटरवेल तक दूसरों का केस भी अपने सर पे ले लेता है। रहने दो साहब, शानदार जैसी भी हो आप ना, इन लोगों की नई पिक्चर आ रही है एकदम मस्त 18 मार्च को, शकुन बत्रा ने डायरेक्ट की है, कपूर एंड सन्स, देखने का जरूर। हाँ देखना। तुम लोग को लगता है ना कि ये लोग लड़ते रहते हैं, देखना कितना प्यार भी करते एक दूसरे से। हाँ ये लड़ाई वाली फैमिली है, लेकिन आप लोगों का प्यार होगा, मैं भी अपनी फैमिली के साथ जाऊंगा, अपनी फैमिली के साथ जाना, और उस फिल्म में मैं भी हूँ। साहब तुम क्या कर रहे हैं पिक्चर में? इंटरवेल में चिप्स तेरा बाप बेचेगा शर्मा में। तुम इंस्पेक्टर नहीं है क्या? मैं पागल खाने से भागा हूँ, पागल हूँ, मेरे सर्टिफिकेट भी जेब में है। यकीन नहीं, आलिया से पूछ लो, बराबर वाले बेड में इसका इलाज चल रहा है। अरे कोई आओ यार, बचाओ इस पागल आदमी से। हमारे शो के असली रॉक स्टार शकील जी के लिए जोरदार तालियां। ये सिद्धार्थ इज रियली अ रॉक स्टार यार, बहुत बड़े रॉक स्टार। इतने बड़े रॉक स्टार है, बाहर जाते लोग पत्थर मारते हैं। तू क्या हंस रही है? ओ सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कॉमेडी शो, इसमें हंसना नहीं। सुषमा सेठ के लिए, श्रुति सेठ के लिए जोरदार तालियां हो जाए। एक मिनट श्रुति, एक मिनट सुनते सही श्रुति। एक बात मैं बोलूंगा भारती के लिए, आज ये बीमार है, इसको चक्कर वक्कर बहुत आ रहे हैं, इसके लिए बहुत सारी तालियां बजाओ कि लड़की होके। नहीं और शकील भाई भी इतने सालों से बीमार हैं फिर भी कॉमेडी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। बहुत मेरे को तो आती है, मैं कर रहा हूँ, जिसको नहीं आती वो भी करे जा रहा है, देखो ना। मैं सच्ची बताऊं शकील भाई, मैं कॉमेडी पता है क्यों करता हूँ, क्योंकि हमने सोचा आप चल सकते हैं तो हम क्यों नहीं चल सकते। मैं कॉमेडी में चल सकता हूँ तो सिर्फ पैदल चल सकता हूँ। कैसा लगा आलिया आपको? क्या कहना चाहेंगे हमारे रॉक स्टार डूड के बारे में? चेहरा बंद पड़ गया है क्योंकि इतनी हंसी आ रही है, आई कुड नॉट कंट्रोल। अब ये पूरा आई थिंक कल सोर होने वाले, मुझे मसाज करना पड़ेगा चेहरा। नहीं बट आई हैव टू से शकील सर, मैं ये शो देखती हूँ और आप मेरे सबसे फेवरेट हो, यू आर जस्ट सो लवली। फवाद क्या कहना चाहेंगे आप शकील भाई के बारे में, इन्होंने इतनी टांग खींची आपकी? अरे ही इज अ लेजेंड, हमारे यहाँ के लेजेंड है। आई एम वेरी प्राउड सर कि आपके साथ एक स्टेज शेयर करने का मौका मिला, और खुदा करे कि आप इसी तरह जो हमारा नाम बुलंद करें। क्या बात। मैं इनका बहुत सालों से फैन रह चुका हूँ सर, आपके शोज बचपन से देख रहे हैं हम। पीली जो किरदार है आपका बकरा किश्तो शोज में, यू नो मेरे पूरे परिवार हम लोग देख के VHS में देखते थे, एंड हंस हंस के पागल और रिपीट पे लूप पे, तो आई थिंक आउटस्टैंडिंग सर, जितने सालों से आप कॉमेडी कर रहे हैं, एंड थैंक यू सो मच। वैसे आलिया, फवाद और सिद्धार्थ, मैंने आपकी फिल्म के ट्रेलर देखे और गाने देखे हैं, उसमें एक गाना जो बहुत ही ज्यादा रोमांटिक है, और आज हीरो हीरोइन सब है, और एक स्पोर्ट दादा भी है। जब तक हम एक गाने में परफॉर्मेंस देते, दादा आप 3 ग्रीन टी बना के लाओ। ठीक है आइए। चलिए जोरदार तालियां हो जाए सिद्धार्थ और फवाद की जोड़ी के लिए और भारती और आलिया। लेकिन इसमें मैं लड़की बनूंगी, आलिया लड़का, और आप में से लड़की कौन बनेगा? सारी सी बातें, जिसके बाल ज्यादा है वो लड़की तो बन नहीं सकता, तू बन जा भाई। औला चिकना माल लड़की बनेगा।
क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए, क्या बात है। देखो आप प्यार कर रहे थे कि लोरी सुना रहे थे लड़की को इधर रखो। और ये इतनी खूबसूरत है, मैं लड़की बनी थी, इनको देख के मैं लड़का बन गई। अब यहाँ पर आ रही एक स्ट्रगलर लड़की जो एक कास्टिंग डायरेक्टर से बहुत ही नाराज है। उनका ये कहना है कि उनको कपूर एंड सन्स में हीरोइन का रोल क्यों नहीं मिला। हाँ तो आइए देखते हैं क्या होता है। प्लीज वेलकम मुबीन एज स्ट्रगलर लड़की एंड पूजा एज कास्टिंग डायरेक्टर। हेलो, हाँ हेलो, सुनना तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अरे कभी घर पे आओ ना जल्दी से, तुम्हारे बिना जिया जाए ना, सही है तोरी याद सताए ना, आओ ना। एक सेकंड, मेरे जानू का फोन आ रहा है, बाद में करती हूँ। हेलो, हाँ सुनो ना, घर पे आओ ना, तुम्हारी बहुत याद सता रही है, तेरे बिना जिया जाए ना, सही है तोरी याद सताए ना। अरे छोटा वाला तुमको बहुत याद करता है, कभी आ रहे तुम? एक सेकंड, मेरे पति का फोन आ रहा है, बाद में करती है। हाँ क्या रे, किधर है रे तू, किधर है? फोन वोन भी नहीं करता है, मेरे को पगला समझा है क्या? है नहीं तो आठ आठ बच्चे संभाल संभाल के मेरी कमर दुख रही है, जल्दी घर पे पहुंच। मेरा पति, आई कांट बिलीव इट, I can't believe it कि आप लोग इधर आ सकते हैं, क्योंकि इधर सलमान भाई भी आए, शाहरुख भाई भी आए, तो आप लोग भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ बड़ा नहीं है। लेकिन कुछ भी बोलो, कमाल का कॉम्बिनेशन है। देखो एक इतना बड़ा स्टार और एक का नाम भी लोगों को ढंग से मालूम नहीं। अब दोनों में से मैंने दूसरा वाला किसको बोला आपस में डिसाइड कर लो। माय गॉड, आलिया भट्ट। आलिया ना हीरोइन बनने से पहले बहुत बड़ी एड़ी थी। ए, अरे एड़ी एड़ी असिस्टेंट डायरेक्टर। अभी मैं इधर काय को आई, आप लोग सोच रहे होंगे ना, ये क्या कपूर एंड सन्स में मेरे को हीरोइन लेने वाले थे, धोखा हुआ है मेरे साथ। चार दिन ऑडिशन लिया लेकिन मेरे को पिक्चर में नहीं लिया, इसके लिए मैं बदला लेने को आई। किधर है कास्टिंग डायरेक्टर? हेलो, हाँ हेलो, हेलो, क्या? अच्छा अगली फिल्म की कास्टिंग कर रही है। सिद्धार्थ? नो वेज, तुमने उसकी एक्टिंग देखी है? बिल्कुल नहीं। सिद्धार्थ रॉय कपूर को बिल्कुल मत लेना, सिद्धार्थ मल्होत्रा को ले लो, अरे बहुत बड़ा स्टार है वो। हाँ लॉक कर लो। अरे तुझे पगार मिल गया ना काम वाली भाई, अभी तक क्यों यहाँ? काम वाली भाई नहीं है मैं, कलम वाली भाई है। ये देख कलम देख मेरी, ऐसा बोलने का नहीं मेरे को। और ये इसका आवाज कैसा है, एक होने तो ऐसा लगता है बिल्ली ट्रक के नीचे आ गई। वैसे किसी ने सही बोला है, ऊपर वाले किसी को खूबसूरती देता है ना तो आवाज गंदी दे देता है, जैसे कि अपनी ये करण, देखो कितनी खूबसूरत है लेकिन आवाज सुनो तो ऐसा लगता है फरहान अख्तर की आवाज ठीक हो गई। दौड़ूंगा भी वैसे दिलों में अपनी बेचाबियां लेकर चल रहे हो तू, जिंदा हो तू, नजर में खाबों की बिजलियां लेकर चल रहे हो तू, जिंदा हो तू, दौड़ूंगा भी वैसे। लेकिन आप लोगों का सही है, आपकी दोनों चीज खराब है। वैसे हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, अंग्रेजी नहीं आती क्या? मैं पूछ रही हूँ हाउ आर यू, कौन हो तुम? तुम मुझे नहीं जानती हो, मैं बहुत बड़ी कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को स्टार बनाया, तुम यहाँ क्या करने आई हो वो बताओ। अरे क्या नहीं किया मैंने, बड़ी बड़ी फिल्म की है। कौन सी फिल्म? फिल्म का नाम ही तो है बड़ी बड़ी। एक मिनट, ये फिल्म किसी ने नहीं देखी, कोई और फिल्म की होगी तुमने, कोई अच्छी वाली, कोई फैमिली वाली फिल्म? हाँ एक फैमिली वाली फिल्म भी की है मैंने, इसमें मैं एक बहुत ही संस्कारी पत्नी बनी हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ। क्या नाम है फिल्म का? पति मेरा भूखा था घूंघट उठा के थूका था। फिल्म की है तुमने? मराठी पिक्चर देखती हो तुम? नहीं। तो मैं मराठी की सुपरस्टार है। तो
मराठी के सुपरस्टार हो तो मराठी में चले जाओ ना, यहाँ पे क्यों ये हिंदी, यहाँ पे ना बॉलीवुड में ऐसे तुम्हारे जैसे लोगों का कोई जगह नहीं। सच्ची बोलूं मैं ना आज अनीता को बहुत मिस कर रहा हूँ। आप लोगों को बता दूं अनीता मेरी परमानेंट पार्टनर है, आज इसका पार्टनर नहीं था तो मेरे को दे दिया। वैसे ऐसी बात नहीं है, मैंने जो भी बोला है दिल से बोला है और मैं आप लोगों की सच्ची बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने आपकी फिल्म का जो ट्रेलर है ना उसको अपने हिसाब से तैयार किया है। हाँ मैंने खुद डब किया, दिखाती हूँ। आप इनकी डबिंग पे हंस रही हैं या कच्चे वाली बात पे? I just can't believe it कि मैंने ऐसे कभी सोचा कि कच्चा आ सकता है, उबला हुआ आलू आ सकता है, नाक बह सकता है। I don't know, it's just amazing। वैसे एक बात बोलूं, सच में वो उबले हुए आलू लग रहे थे। उन्होंने 5 घंटा चेयर में बैठ के हर रोज मेकअप किया। He will not be happy कि वो उसके बाद उबले हुए आलू की जैसे लग रहे हैं। Every day 5 hours। फवाद आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि ट्रेलर के साथ साथ आप आके फिल्म भी डब कर दें। हाँ exactly। क्या मिमिक्री करते हैं? लेकिन आलिया हमने सुना है कि आप अपने पापा की मिमिक्री बहुत अच्छी करती हैं। किसने कहा है? हमने देखा भी है। ये जो कहानी है ये वो जिस्म के बारे में कहानी है और तुम देखोगे तो हैरान हो जाओगे भैया। और ये आदमी जो मेरे सामने आएगा, that I will strip him and I will tell him that you are a coward, you are a coward। आलिया एक पर्सनल सवाल पूछना है आपसे कि पापा वाकई यहाँ पे इतनी खुजली करते हैं कि लोगों ने कहानी बना दी है? नहीं नहीं, वो उनको जब वो पैशनेट हो जाते हैं ना तो शर्ट फाड़ देते हैं, चश्मा फेंक देते हैं, खुजली करते हैं। ही इज अ गोरिल्ला। तो चलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए मुबीन और पूजा के लिए। आलिया अब हम चाहेंगे कि कपूर एंड सन्स के तीनों सुपरस्टार एक साथ बैठे और हम तीनों की मिलके टांग खिंचाई करें। सो प्लीज मैंने ट्रेलर देखा आपकी फिल्म का, आप दोनों भाई कितना लड़ते हो। हमारे पास भी 2 भाई हैं, बिल्कुल भी नहीं लड़ते यार। उनकी फैमिली में इतनी एकता ना, मतलब आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। प्लीज वेलकम कृष्णा सुदेश और हमारे शो की सबसे ज्यादा हॉट लड़की अदा। जोरदार तालियां। सबसे पहले कॉमेडी नाइट बचाओ के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। वाह क्या प्रोमो है यार कपूर एंड सन्स के, वाह।
क्या एंजॉय किया है, दोनों भाइयों ने क्या एंजॉय किया है? इतना एंजॉय किया है कि फिल्म का नाम कपूर एंड सन्स नहीं, कपूर एंड फंस होना चाहिए था। क्या फिल्म आ रहा है, क्या बात, सुनाई दे रहा है कि नहीं सिद्धार्थ? दोनों कान सुनाई दे रहा है? एक कान बंद तो नहीं है? नहीं बंद है इनका, एक कान बंद है भाई का। एक विलन देखी थी ना पूरी पिक्चर में, हीरोइन चले मेरे को लगा एक साइड का बंद होगा। खैर फवाद खान, फवाद खान के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आलिया भट्ट, मैं कहूंगा हम दोनों ही फिल्मी खानदान से हैं। इनके डैड वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स एंड अ बेस्ट पर्सन, महेश जी के लिए जोरदार ताली। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, भट्ट साहब को भी कही मैंने, आलिया बैठिया, फिर कहूंगा, नए नए लड़कों को चांस देना कोई छोटी बात नहीं होती। नए नए लड़कों के साथ फिल्में बनाना, फिल्म इंडस्ट्री में जितने लोग झट से आते हैं वो भट्ट से ही ऊपर जाते हैं। ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन भट्ट साहब ने भी क्या क्या फिल्में बनाई यार, हाँ, सड़क, उसके बाद फुटपाथ, इन्होंने की हाईवे, अपना खुद का बीएमसी खोल लो ना यार। मैं बताऊं, आलिया को पहले बर्फी फिल्म में लेने वाले थे, फिर अनुराग सर ने बोला नहीं यार, लड़की का जो रोल है ना वो पागल का है, ये करेंगी तो ओरिजिनल हो जाए। लेकिन मजाक से हटके ये सच्ची बात है, सब मानते हैं इस बात को कि आलिया भट्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस वी हैव टुडे। और इस बात में कोई दो राय नहीं, अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो मुझे हार्ट अटैक आ जाए। खैर मैं सॉरी यार, अभी झूठ नहीं। लेकिन यार ये मजाक की बात अलग है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में पागल कैसे हो सकता है? मैंने तो सुना था कि बुढ़े सटिया जाते हैं। हाय शकील भाई। आलिया, लेकिन मैं सच्ची बता रहा हूं फिर से, ये मेरी स्क्रिप्ट में भी नहीं लिखा, हम ऐसे भी बहुत कुछ बोलते हैं। मैं आलिया का सच में बहुत बड़ा फैन हूं, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस। आलिया वी लव यू वेरी मच। मैंने शानदार देखी है। नहीं नहीं, मेरा पंच यही था, मैंने देखी पिक्चर। खैर मैं ऐसे सीट पे बैठ के पिक्चर देख रहा था, एक बंदा उठ के से चलने लगा बीच में। मैंने पूछा बाजू वाले से, मैंने चल के क्यों जा रहा है? कहता उसको नींद में चलने की आदत है और मुझे नींद में बोलने की। समझ में आया आपको पंच, के क्लियर करूं? दोनों सो रहे थे। खैर अभी मैं अपने उससे बाहर आ जाता हूँ। मैं बनाऊ अनिल कपूर एकदम और मैं इधर आ गया हूँ। अभी उदय भाई नहीं आया, उदय भाई किधर है? उदय भाई उदय भाई कैसे हो? एक मिनट। हाँ अच्छा लगता है। अच्छा अब तू नहीं बोलेगा तो मैं तो अपना बोलूंगा, अच्छा लगता है। कौन है तू? अरे ज्यादा बकवास करेगा तो अरे काट के रख दूंगा। अरे मैंने कहा काट के, नहीं मानेगा, ये ले काटा, ये रख दिया। क्या हुआ उदय भाई? उदय भाई क्या हुआ? अरे चार लोग बदमाश गालियां दे रहे थे, मार दिया। अच्छा? मेरे बाप को मार दिया। आपको मार दिया, क्या मतलब? जस्ट किडिंग। अच्छा बच्चे दे रहे हो, जस्ट किडिंग, वेरी गुड। अरे आलिया आई है, आलिया के लिए जोरदार तालियां। इसकी तरह मैं झूठ नहीं बोलूंगा,
तेरी पूरी दुनिया फैन है बॉलीवुड से, सबसे बड़ी कलाकार यही, इससे बड़ी कोई एक्टर नहीं, झूठ बोलू तो अटैक हो जाए। अरे उदय भाई, जस्ट कीडिंग। उदय भाई, अपना सिद्धार्थ बैठा हुआ है। सिद्धार्थ के बारे में एक मेरा भी क्लोजअप आने दो। सिद्धार्थ के बारे में मैं एक ही बात कहूंगा। क्या? ये सिर्फ एक्टर ही नहीं, इंसान भी अच्छा है। आगे भी तो बोलो। बोला ना कि एक्टर ठीक ठीक है, इंसान बहुत अच्छा है। यार उदय भाई, हाँ बोलो। आपका बर्थडे होगा तो सबको पार्टी पे बुलाओगे ना? अरे मैं जरूर बुलाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। मैंने जो एक बार कमिटमेंट कर दी, फिर मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। ये तो सलमान भाई का डायलॉग है। अब मेरा बर्थडे है तो मेरा डायलॉग फिट ही नहीं होता, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। सिद्धार्थ की एक पिक्चर आई थी, एक विलन। मैंने देखी, मैंने 3-4 बार देखी है ब्रदर। ब्रदर विलन नहीं देखी? विलन नहीं देखी, नहीं देखी। मैं गया था वहां, इतना रश, टिकटें बिक रही है, अंदर जगह नहीं है। ब्रदर में ना भाभी है ना सिस्टर, अकेले बैठ के देखी मैं। बहुत अच्छी। सिर्फ दो ही चीजें अच्छी लगी ब्रदर में, एक तो अक्षय कुमार और दूसरा अक्षय कुमार का काम। मैं बता रहा हूँ, अरे आलिया के ना गाने लिखे हम लोगों ने, वो आलिया को सुनाना चाहते। मैंने, दोनों ने मिलके लिखे। आपने लिखे? हम दोनों ने लिखे। कौन सा गाना बताओ? शुरू करो। कैसा लगता है? हाँ, ऐसा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। प्यार का सपना, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। एक और लिखा है, हाँ, फिर से कहो, कहती रहो, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। जीवन का हर सपना, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। मजनू, आज मेरे से थोड़ा पाप हो गया। क्या हो गया? हमारे घर के सामने पीपल लगा है, नीचे एक बुढ़िया रोमांस कर रही थी। अरे मुझे गुस्सा आ गया, मैंने पत्थर उठा के सर फोड़ दिया। क्या बात कर रहे हो? अरे माँ, सत्यानाश हो। क्या हुआ माँ? मैं जरा सा बेटा पीपल के पेड़ के नीचे रोमांस कर रही थी और किसी कमीने ने मुझे आके पत्थर से मार दिया। अरे वो ये देखा, हमारी फैमिली में कितनी अंडरस्टैंडिंग है। हमारे बूढ़ी माँ शर्म पकड़ी गई है और फिर भी हम उसकी बात नहीं कर रहे। बेटा, एक बॉल डेली सोप की माँ। ये लोग कौन है? अरे मजनू मैं बताता हूँ, ये सिद्धार्थ है, ये फवाद है और ये आलिया है। ये बॉलीवुड के बहुत सुपर डुपर स्टार बनना चाहते हैं। आलिया भट्ट आई है। अरे बेटा, मेरी दिल की तमन्ना है कि तू आलिया भट्ट जैसी बहू लेकर आ। अरे तुम्हें अच्छी लगती है? नहीं, पागल है, बेवकूफी करके इस उम्र में मुझे इंटरटेन करेगी। कैसे बता, ये लोग आए क्यों है इधर? ये अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए आए हैं माँ। और ये दोनों भाई जो हैं, एक ही लड़की से प्यार करते और आपस में झगड़ा करते रहते हैं। आए, क्या जमाना आ गया है, दो भाई एक लड़की के लिए झगड़े? हाँ, हम दोनों भाइयों को देखो कोई टेंशन नहीं, मार्केट में जाते हैं, लड़की से बात करते हैं, वो ना कह देती है, दोनों वापस आ जाते हैं। कोई टेंशन नहीं है। वो इसलिए बेटा क्योंकि हैंडसम लोगों की बात कुछ और होती है, तुझसे कौन पड़ेगी। आज तू मेरी माँ ना बनी होती ना तो खींच के लात मारता तेरे को। मैं मार ही देता हूँ। मार दिया। देखा क्या जमाना आ गया है, मुझे बेटे चाहिए थे सिद्धार्थ और फवाद जैसे, हमेशा घर पर बैठे रहते, मुझे प्यार करेंगे। सबसे पहले गले से पत्थर निकाल के बोल। ये कहती है कि ऐसे बन जाओ, मैं तो कहता हूँ कि मैं आलिया भट्ट जैसा बनूंगा। आलिया भट्ट जैसा क्यों? मैं टेंशन फ्री होना चाहता हूँ, जब दुनिया की नॉलेज ही नहीं तो टेंशन फ्री। आलिया देख, हमने इतना अच्छा परफॉर्म किया, एक बार तू भी हमारे साथ परफॉर्म कर दे प्लीज, मैं लेके आता हूँ इन दोनों के साथ, तो डांस कर लिए एक बार, हमारे साथ भी हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए। एक मिनट, हाँ
मैं जब से ये शो देख रही हूँ मेरी एक इच्छा है कि मैं आपके स्टाइल में आपको कॉपी करके डांस करूँ. अच्छा अच्छा लगता है, अच्छा लगता है. तो बाद आप क्या कहेंगे इस एक्ट के बारे में? हंस हंस के मुंह थक गया, तालियां बजा बजा के हाथ थक गया. वंडरफुल यार, गाइस यू डन अमेजिंग. सिद्धार्थ सुपर, थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस. थैंक यू सो मच. तो चलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए कृष्णा, सुदेश और आदा के लिए. कृष्णा. हाँ भारती जी. यार इनको बाय कहने का मन नहीं कर रहा. एक मिनट, एक मिनट, रोक लेते हैं. एक मिनट, चलो एक मिनट और रुक जाते हैं. हम कुछ कहना चाहते हैं तो फिर आइए इधर. हाँ, मीठे मीठे शब्द. अच्छा शब्द कहना चाहते हैं. कम ऑन शकील भाई जी. अगर उनके जैसा कोई पुलिस वाला हो तो शहर में चोरी कहीं भी हो पुलिस का कुत्ता उन्हीं को देख के हमेशा भौंकता है. मेरी बारी. तुम्हारी बारी. सुदेश जी, मैं आपके बारे में कुछ नहीं कहूंगी. नो नो, आई विल नॉट से एनीथिंग, क्योंकि मेरे पापा ने एक्चुअली सिखाया है कि जब घोड़ा बूढ़ा हो जाता है ना तो उसको चाबुक नहीं मारते. अच्छा तुम ट्राई करो. मैं भी आलिया के पापा से सहमत हूँ. कृष्णा, बोलने को तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकता था, लेकिन तुमने जो फिल्म की है क्या कूल, अब क्या नाम क्या उसका, क्या कूल है. अच्छा छोड़ यार, तो जाने देते हैं. आज तुम्हारी हुई. ओह खुश हो गए, खुश हो गए. स्टैंडिंग ओवेशन. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. जोरदार तालियां हो जाए फवाद, आलिया और सिद्धार्थ के लिए. थैंक गॉड आज हमें पता चल गया कि आप तीनों हमारा शो हमसे कभी छीन नहीं सकते, क्योंकि आपसे तो कॉमेडी हुई नहीं. पर ऐसे महारथी बैठे, सारे कॉमेडियन बैठे हैं यहाँ पे. थैंक यू सो मच हमको हंसाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए. हम आपके बहुत बड़े फैन हैं और कब से आपका शो देखते आ रहे हैं. एंड मे दिस शो गो ऑन फॉर मेनी मेनी मोर एपिसोड्स. थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस. थैंक यू आलिया, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द शो? यहाँ आके आपने सिर्फ और सिर्फ हंसाया है, सिर्फ हमें खुश किया है. सो थैंक यू सो मच. और हम भी यही करेंगे 18 मार्च को कपूर एंड सन्स के थ्रू. फवाद क्या कहना चाहेंगे आप शो के बारे में? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. आप लोगों ने इतनी इज्जत की मेरी आज. मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके. एंड यू गाइस आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब विद दैट एंड आई रियली एंजॉयड बीइंग. थैंक यू वेरी मच. तो ऑडियंस मजा आया आप लोगों को? चलिए इसी मजे और मस्ती के साथ हम आपको मिलेंगे अगले शनिवार ओनली ऑन कॉमेडी नाइट्स बचाओ. जाने से पहले एक स्पेशल परफॉर्मेंस बाय कपूर एंड सन्स और हमारी टीम का जरूर देखिएगा.
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.